भारी बारिश के बावजूद हरियाणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज वल्लभगढ़ में गोल्ड मेडलिस्ट शूटर मनीष नारवाल और कांस्य और सिल्वर विजेता शूटर सिंहराज के घर पहुंचे और परिजनों समेत सभी को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि आज खेलों में हरियाणा आगे बढ़ रहा है और बल्लभगढ़ के दोनों खिलाड़ियों ने शूटिंग में मेडल जीतकर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खेल नीति के अनुसार मिलने वाली सभी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाएंगी। हरियाणा के सपूत मनीष सरवाल ने जो सारे दुनिया में जो परचम फैलाया है 50 मीटर अपना डिस्टेंस में, तो आज मैं परिवार से मिलने के लिए मनीष सरवाल के हाथ से आए हैं खेल के, और हरियाणा सरकार की तरफ से मैं उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश की जो सरकार की जो नीति है और ये खेलों को या प्राइवेट हो सरकारी क्षेत्र की बढ़ावा मिला है, इसका परिणाम हरियाणा के ग्रामीण में या छोटे गेमों में या देश और प्रदेश में या दुनिया जो गेम है उसमें इसका आने वाला धीरे धीरे चालू है और बच्चों को खेलों को बढ़ावा मिलता है। तो ये क्या है कि सारे जहाँ देश का नाम हुआ है, अपने ज़िले का नाम हुआ है, वहीं बल्लभ विधानसभा में सिल्वर गोल्ड मेडल दोनों हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि बल्लभ जैसी ऐतिहासिक नगरी में दो दो मेडल आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर वैसे तो मैं मंत्री जी से पहले भी बहुत बार मिल चुका हूँ, इन्होंने काफ़ी बार मुझे सम्मानित किया जैसे नेशनल मेडल आने पर भी, और एक बार ओपन टूर्नामेंट में सबसे पहले मंत्री जी ने पहनाया था मुझे, और आज ये पहली बार मतलब मैं घर पर आया तो मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे मेडल जीत कर रहा हूँ तो मंत्री जी के साथ ऐसे बैठा। इस अवसर पर 50 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले मनीष नारवाल ने बताया कि उनकी इस जीत में उनके परिवार और तमाम देशवासियों का सहयोग है और वो आगे भी इस तरह से देश का नाम रोशन करते रहेंगे। वहीं मनीष ने बताया कि युवाओं को भी अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा रुचि रखनी चाहिए, वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अच्छे तरीके से अपनी प्रतिभा को और निखारना चाहिए।